स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस समय मैं थाईलैंड के पहाड़ों पे बना हुआ एक छोटे से शहर चेन्नई में हूँ और आज मैं आपको लेके चलता हूँ चेन्नई की फेमस सबसे बड़ी नाइट मार्केट। आज चेन्नई में मेरा पहला दिन है। कल रात की बैंकॉक से नाइट बस लेके आज सुबह मैं चेन्नई पहुंचा और अपना हॉस्टल में सामान डालकर अब हम निकलते हैं मार्केट की तरफ। यहाँ से वॉक है, 20 मिनट की वॉक है यहाँ से। ये कितना सही लग रहा है यार, ये सनसेट के टाइम। वाओ, यहाँ पे कल दोबारा आते हैं भाई। यहाँ की वाइब एकदम अलग है। बैंकॉक की डिफरेंट वाइब थी और यहाँ की डिफरेंट वाइब है। आई थिंक ये भी कोई पहल ये होटल है कोई। ये पूरा पीछे मेरे मार्केट है, इधर साइड मार्केट है, इसके अपोजिट इधर साइड पूरा मार्केट के अंदर चलते हैं। How much this t-shirts? 200? सही लग रही है ना। दिस वन 4000 बात, 4000 बात की है, लगभग 9-10 हज़ार की। ब्यूटीफुल पेंटिंग, नाइस। यहाँ पे सारे कपड़े, इधर साइड सारे कपड़े, अंदर साइड पे कैफेज है। अंदर साइड चलते हैं, थोड़ा आपको अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पे कैफेज का क्या सारा फूड सेक्शन है भाई। यहाँ पे सब नीचे लोग बैठ के खा रहे हैं। पीछे मंदिर है, बुद्धिज्म टेम्पल्स हैं सारे। हेलो, हाउ आर यू? बोल रहे हैं रियल मैंगो की स्मूदी, ट्राई करके देखते हैं कैसी है। देखने में तो बढ़िया लग रही है, ट्राई करके देखते हैं। यह यहाँ का मैंगो ही बहुत सही है, अच्छी है। 25 बात में तो वही 70 रुपये, 75 रुपये इंडिया वाले रेट्स हैं भाई। पेट पूजा हो गई, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ के लोकल आर्टिस्ट के पास, जो यहाँ के पास के गांव में रहते हैं और हर वीकेंड हर संडे यहाँ पर आकर अपनी कला अपना म्यूजिक को पेश करते हैं। हाउ मच इज दिस? 350 बात, ब्यूटीफुल। हाउ मच? 39 बात। How much is this? 120. 600 रुपए का भाई मीटर है। ठीक है। 100. You made this? Oh wow, beautiful. तो भाई यहाँ पे जगह जगह पे सारी पॉलिसीज़ हैं। इसके अंदर चल के देखते हैं कि इसके अंदर कैसा है। भाई ये शाम की पूजा हो रही थी इनकी, अभी भी खत्म हो गई। मैंने भी थोड़ा मेडिटेशन कर लिया, अच्छे भाई भाई। अभी चलते हैं आगे मार्केट, यार ये बहुत ही बड़ा है मार्केट है। आगे चलते हैं, मैं आगे थोड़ा और आपको दिखाता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से हॉस्टल। हॉस्टल में भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा, अभी फिर हॉस्टल चल के इंजॉय करते हैं वहाँ पर क्या वाइब हो रही है। सच में बहुत बड़ी मार्केट है यार, मतलब मैं वहाँ से वॉक कर रहा हूँ, 2-3 घंटे हो गए मुझे। घर से निकला था 5:30 बजे और अभी 8:30 बज गया है। 3 घंटे से मैं वॉक कर रहा हूँ और चारों तरफ मार्केट है, इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये मंदिर के अंदर है ये वाला भाई। मैंने एक स्मूदी शेक ले लिया, 50 बात का पड़ा। सही है यार, कोकोनट स्मूदी वही प्राइस तो वही है। लोकल मार्केट का ही अच्छा है कि प्राइस उतने ज़्यादा नहीं है। बैंकॉक में बहुत ज़्यादा प्राइस थे। मैं आपको यहाँ पे खाने के स्टॉल्स अब दिखाता हूँ, सारे लाइन से जितने भी स्टॉल्स हैं यहाँ पे सारे खाने के। 50 आगे चलते हैं।
यार थाईलैंड में फूड के बहुत सारे ऑप्शंस हैं सीरियसली। ये सारा ये एग का कुछ बना रहे हैं, ये भी है खाने का, कोकोनट पैनकेक्स, साइड भी है ड्राई फ्राइड, ये केक भी बना रहे हैं। हाय पापाया सवाद। यहाँ पे नीचे सब बैठ के खाना खा रहे हैं, इन्होंने नीचे टेबल लगा दिए। इधर सारा जूस है, लोग भी अच्छे खासे लोग आ गए हैं, भीड़ भी मतलब अच्छी खासी भीड़ है। ये सी फूड पूरा लगा हुआ है, ये सारे सैंडविचेस लगे हुए हैं, टुना पिज़्ज़ा। हाउ मच दिस कॉस्ट? 20 baht. व्हाट इज दिस? ऑमलेट इन बनाना लीफ। ऑमलेट इन बनाना लीफ, हाउ मच इज दिस कॉस्ट? 20 baht का ये सारा। तो ये ऑमलेट इसके अंदर ही बनाते हैं लोग, नीचे से ऑमलेट ये धीमे धीमे बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट ये है, ये अभी प्रोसेस में चल रहा है ऑमलेट का। आगे चलते हैं देखते हैं, ये साइज कुकीज़ हैं। भाई वहाँ से निकल के मैं हॉस्टल आ गया और अगले दिन का प्लान है वाटरफॉल का। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, जिन्होंने भाई सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए दिल से थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, हैव अ ब्यूटीफुल डे। Oh!